हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी फिल्म रिव्यू। तो पीजी फिल्म रिव्यू में आप सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट 12 टाइम ट्रेवल मूवीज एंड टीवी सीरीज। तो आप लोगों में से जितने भी लोगों को टाइम ट्रेवल से रिलेटेड मूवीज एंड वेब सीरीज पसंद है तो प्लीज जाके इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए आपको लाइक भी करना होगा। तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं वीडियो नंबर एक के बारे में, प्रेस्टिनेशन, जिसे रिलीज किया गया था 28 अगस्त 2014 को। और आपको बता दूं, इस फिल्म ने 12 अवार्ड भी जीते हैं और ये मूवी 1 घंटे 37 मिनट की टोटल हमें देखने को मिल जाती है और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिलती है 7.4। तो चलिए फटाफट से वीडियो नंबर दो की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नंबर दो पे जो हमारी वीडियो है उसका नाम है अबाउट टाइम, जो कि कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी मूवी है। ये मूवी को 8 अगस्त 2013 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को 3 अवार्ड भी जीता गया है और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिलती है 7.8। तो बात करते हैं वीडियो नंबर 3 के बारे में। ये एक सीरीज है द फ्लैश सीजन 1 और ये सीरीज एक्शन ड्रामा से पूरी भरपूर है और इसमें आपको टाइम ट्रेवल से भी रिलेटेड काफी चीजें देखने को मिल जाते हैं और इस सीरीज ने करीब 29 अवार्ड्स भी जीते हैं और इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 7.6 और इस सीरीज को रिलीज किया गया है 7 अक्टूबर 2014 को। तो नंबर 4 पे जो हमारी वीडियो है उसका नाम है मैन इन ब्लैक 3। ये एक एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है जिसमें आपको टाइम ट्रेवल से भरपूर काफी सारे सीन देखने को मिल जाते हैं और ये मूवी 1 घंटा 46 मिनट में हमें टोटल देखने को मिल जाता है और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिलती है 6.8 और इस फिल्म को रिलीज किया गया 25 मई 2012। तो चलिए फटाफट से चलते हैं वीडियो नंबर 5 के तरफ। तो 5 नंबर की जो हमारी वीडियो है उसका नाम है लीजेंड्स ऑफ द टुमारो। ये एक टीवी सीरीज है जिसमें हमें एक्शन एडवेंचर और ड्रामा से भरपूर देखने को मिल जाता है और इस सीरीज को 7 अवार्ड भी दिया गया है और इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 6.7 और इस सीरीज को रिलीज किया गया 21 जनवरी 2016 को। तो चलिए फटाफट से चलते हैं वीडियो नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर पे हमारी जो वीडियो है उसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। ये एक एडवेंचर कॉमेडी और स्काईफाई से भरपूर मूवी है और इस फिल्म को रिलीज किया जाता है 3 जुलाई 1985। ये 90s के टाइम की मूवी है जो कि उस टाइम पे इसको बहुत ज्यादा रेटिंग दी गई, जो कि उस टाइम की ऑस्कर विनिंग मूवी में से एक मूवी थी ये और ये उस टाइम की सबसे हाई रेटिंग मूवी थी जिसकी रेटिंग 8.5। तो बढ़ते हैं वीडियो नंबर 7 की तरफ, लेकिन दोस्तों फिर से आपको कह रहा हूँ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो देखो 7 नंबर पे एक टीवी सीरीज है जिसका नाम है स्टार ट्रेक विक्टर सीजन 1 और ये सीरीज ड्रामा साइंस फिक्शन से भरपूर है और इसमें भी आपको काफी सारे टाइम ट्रेवल और फ्यूचर से काफी चीजें देखने को मिल जाती है और इस सीरीज को रिलीज किया जाता है 23 जनवरी 2020 को और इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिलती है 7.3। तो चलिए फटाफट से वीडियो नंबर 8 की तरफ चल लेते हैं। तो 8 नंबर पे हमारी फिल्म है जिसका नाम है लूपर और ये फिल्म स्काईफाई एक्शन से पूरी भरपूर है और ये फिल्म हमें 1 घंटा 59 मिनट के अंदर तक देखने को मिल जाता है और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिलती है 7.4 और इस फिल्म को रिलीज किया गया 12 अक्टूबर 2012 को। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो नंबर 9 के बारे में। तो 9 नंबर पे जो हमारी वीडियो है उसका नाम सोर्स कोड, जो कि एक्शन ड्रामा मिस्ट्री से भरपूर फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1 मई 2011 को और ये फिल्म 1 घंटा 33 मिनट तक हमको देखने को मिल जाता है और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिलती है 7.5 और ये उस टाइम की बेस्ट टाइम ट्रेवल फ्यूचर की एक मूवी थी। तो चलिए वीडियो नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर पे हमारी फिल्म है जिसका नाम है इंटरस्टेलर और ये फिल्म एडवेंचर ड्रामा स्काईफाई से भरपूर है। ये फिल्म करीब करीब 2.5 घंटे की है जो आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करके जाती है और ये फिल्म ऑस्कर विनिंग और टॉप रेटेड मूवी है और इस फिल्म को सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग दी गई है 8.6 और इस फिल्म को रिलीज किया गया 7 नवंबर 2014।
तो नंबर 11 पे जो मूवी है उसका नाम है द टुमारो वॉर। और इस फिल्म के अंदर आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाता है और इसमें जो फ्यूचर वाली सीन दिखाए गए हैं वो आपको शुरू से लेके एंड तक दिखाया जाता है, यानी पूरी टोटली मूवी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। और इस फिल्म को रिलीज किया गया है 2 जुलाई 2021 को और ये मूवी करीब करीब 2 घंटा 18 मिनट तक की पूरी फिल्म है और इस फिल्म को IMDb रेटिंग दी जाती है 6.5। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों फिर से कह रहा हूँ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, वीडियो एंड पर आ चुका है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए फटाफट से वीडियो नंबर 12 की तरफ बढ़ चलते हैं। 12 नंबर पे जो हमारी वीडियो है, देखो उस फिल्म को आप लोगों में से काफी लोगों ने देख चुका है और ये मूवी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर मूवी में से एक है जिसका नाम हर बच्चे बच्चे की जुबान पे गूंजता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर एंड गेम। ये फिल्म भी आपको टाइम ट्रेवल से पूरा रिलेटेड देखने को मिल जाता है। आप लोगों में से काफी लोगों ने इस फिल्म को देख चुका है और ये फिल्म काफी हद तक लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। आज भी ये फिल्म लोगों के जहन में बहुत ज्यादा बसा हुआ है और इस फिल्म को रिलीज किया जाता है 26 अप्रैल 2019 को और ये फिल्म एक्शन एडवेंचर और ड्रामा से पूरी भरपूर है और ये फिल्म हमें 3 घंटे से भी ऊपर तक देखने को मिल जाता है और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिलती है 8.4 और ये फिल्म ऑस्कर विनिंग टॉप रेटेड फिल्म में से एक थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ऐसी ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो प्लीज ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर टाइप करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्टेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय।